इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो इंसान को हैरान करते हैं। कई बार कुछ चीजें विज्ञान से भी परे लगती है, लेकिन इंसान उसे खोजने की कोशिश में जुटा रहता है। हम हिमालय पर्वत की ही बात करें तो यह किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं है। हिंदू धर्म में तो हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएं मौजूद है। हिमालय के इन्हीं वादियों में मौजूद है ज्ञानगंज मठ का भी रहस्य। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है, कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को सांगरीला, समाला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर कोई अमर है और उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुंचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इसी घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है, इसीलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ही बढ़ जाती है। एक खास बात यह भी है कि ज्ञानगंज मठ असल में कहाँ है इसकी जानकारी ठीक-ठीक किसी को नहीं है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत और बौद्ध भिक्षुओं में से भी इसे लेकर खूब बातें होती है। मान्यता तो यह भी है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षुक यहाँ पहुँचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ का साफ-साफ रास्ता नहीं पता है। इस ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने अपनी किताबों में इस रहस्यमय घटना का जिक्र किया है। कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कहते तो यह भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्ध आश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या फिर वाकई ऐसा कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा, लेकिन कई सिद्ध पुरुष ने यह दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एलपी फेरेल की बात भी सामने आती है। फेरेल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया था, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों में किया।